एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों को मिलने वाले सामान की क्वालिटी अच्छी ना होने पर छात्र प्राचार्य पर भड़क गए। इस दौरान प्राचार्य ने कहा कि छात्रों को कुछ लोगों ने भड़काया है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। डिंडोरी जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों को मिलने वाले सामान की क्वालिटी घटिया किस्म की होने के कारण छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन प्राचार्य छात्रों की बातों को सिरे से नकारते हुए बताया कि कुछ अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है और बहुत से अतिथि शिक्षक सरकारी मकान में कब्जा करके रह रहे थे, जिनको मकान खाली कराने का नोटिस दिया गया। बच्चों को मोबाइल रखने पर पाबंदी लगाई गई। इन्हीं बातों को लेकर कुछ लोग बच्चों को उकसा रहे थे, जिससे बच्चे विरोध कर रहे थे। निर्देश ऊपर से आया था कि फार्म भरेंगे और मेरिट के आधार पर उनका चयन होगा। उसी सिस्टम से मेरिट बना करके जो हमारे यहाँ के लिए च्वाइस भरे थे वो उनकी लिस्ट, मेरिट लिस्ट दे दी गई। उसी के माध्यम से हमने क्रमवार उनको बुलाया और बिल्कुल नियमतः भर्ती हुई है। उनकी भर्ती नहीं हो पाई और जो उनको पिछले साल जो आवास दिए गए थे वो आवास आज भी लिए हुए हैं। पत्र जारी करने के बाद भी बच्चों के यहाँ पर बिना किसी उसके रह रहे हैं, बिना किसी प्रमाण के बच्चों से मीटिंग लेकर के, और ये पूरी साजिश रची जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर स्कूल पहुंची जिला पंचायत शिक्षा समिति अध्यक्ष अंजू व्यवहार ने छात्रों को समझाकर मामले को शांत कराया। फंडिंग में बच्चों को ये बताया नहीं जाता कि कौन सा चीज खा रहा है और क्या कौन सी क्वालिटी का सामान है। जैसे कि उनको कल बैग मिला है और बैग दिया गया है, साथ में बुक्स वगैरह दी गई हैं और एक टी शर्ट दी है। टी शर्ट की क्वालिटी सिर्फ बच्चे ने प्राचार की कोई गलती नहीं, प्राचार सही है। सिर्फ जो भी मतलब गलती हो रही है, जैसे अतिथि शिक्षक की भर्ती में और जो भी झोलमाल हो रहा है सिर्फ ऐसी अतिथि। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।